पूरे महीने के लिए जो दरुसुल कुरान का सेटअप मुख्तलिफ मुनवानात के जरिए हमने तरतीब दिया था, कल एक जनाजे में शिरकत की वजह से एक टॉपिक हमारा मिस हो गया। कल का जो टॉपिक था वो था ज़कात के अहकाम के बारे में कुछ आपको मसाइल ज़रूरी बता रहे थे, और आज के टॉपिक में ये था कि हम ज़कात किन किन को दे सकते हैं, मसाइल जहाँ पे ज़कात का माल खर्च करता है वो कहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोनों मसले आज आपके गुज़ार करने हैं। सबसे पहली बात तो ये जहन में रहे कि साहिब निसाब आदमी कोई भी हो उस पर ज़कात की अदायगी इसी तरह फ़र्ज है जिस तरह उस पर नमाज और रोज़ा फ़र्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तीन कामों को एक दूसरे के साथ जोड़ के बयान किया और उनका ऐसा ताल्लुक बनाया कि अगर दूसरा होगा तो पहला होगा, अगर दूसरा नहीं है तो पहला भी नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। यानी कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज और ज़कात को लाज़िम और मंज़ूम के तौर पर बयान किया, जोड़ के बयान किया कि नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। गोया ज़कात अदा करोगे तो तुम्हारा नमाज कायम करना होगा, अगर ज़कात नहीं है तो फिर नमाज भी काबिल नहीं होगी। दूसरा फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। यानी अगर कोई बंदा सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत में तो हर काम करे और वो कहे कि मैंने रसूल की कोई बात नहीं मानी या मैंने रसूल से मोहब्बत नहीं रखी, माज़ल्लाह, या रसूल की बात ही ना करे अल्लाह की बात करे, तो उस बंदे की अल्लाह की इताअत और अल्लाह का जिक्र भी काबिले कबूल नहीं होगा कि रसूल के जिक्र से वो मालूम। इसी तरह तीसरा फरमाया वाकतुल्लाह वबिल वालिदैन एहसान, अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। यानी आपने देखा कि ये तीन काम वो हैं कि जिनको अल्लाह ने दूसरे तीन कामों से जोड़ के बयान किया। तो इसी तरह ज़कात का जो मामला है ये बड़ा अहम तरीन मामला है और हमारे माशरे में इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से जो मालूमात है वो शायद न होने के बराबर है कि बहुत सारे अफराद साहिब नसाब होने के बावजूद, साहिब नसाब वो होगा जिसके पास 7.5 तोले सोना है या उसके पास 52.5 तोले चांदी है, और अगर सोना भी मौजूद नहीं चांदी भी मौजूद नहीं फिर साहिब नसाब वो होगा जिसके पास इन दोनों में से किसी के बराबर नकदी की सूरत में पैसे होंगे, ठीक है, या इतनी मालियत के बराबर उसके पास माल तिजारत होगी। यानी एक बंदा है उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है लेकिन उसके पास जो है 14 लाख का सामान जो है वो दुकान में मौजूद है तो वो साहिब नसाब होगा। एक बंदा जो है 7.5 तोले चांदी का मालिक नहीं है लेकिन उसके पास जो है तकरीबन कोई 7.5 लाख रुपए नकदी की सूरत में पैसे मौजूद है तो वो भी साहिब नसाब होगा, साहिब नसाब होगा। इसी तरह जो है माल तिजारत यानी जिस माल से वो तिजारत करता है वो भी जो है साहिब नसाब होगा और उस पर ज़कात फर्ज होगी। और ये अदायगी इसलिए जरूरी है कि जिस माल से ज़कात अदा कर दी जाए
वह माल खजाना भी रहता, और जब तक माल से ज़कात अदा न करे वो खजाना होता है, और वो खजाना जो ज़कात के बगैर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया में भी बेबरकती का बायस है और आखिरत में अल्लाह की नाराजगी का बायस है। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 खड़ी हमारे लिए बहुत तल्लुक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं उसमें से ज़कात अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, فبشروا بعذاب أليم, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाओ, يوم يجمع عليها في نار جهنم, जब ये सोना और चांदी जहन्नम की आग में पिघलाए जाएंगे, यानी जिस सोने चांदी की ज़कात अदा ना की जाए अल्लाह फरमाता है यौम यौम अलैहा फी नार जहन्नम, उनको जहन्नम में पेश किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जहन्नम में पिघलाकर तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जो एक बंदा उस सोने चांदी का दुनिया में मालिक था और ज़कात अदा किए बगैर मर गया, उस सोने को जहन्नम में गर्म करके उसकी पेशानी में दागा जाएगा, उसके पहलुओं पर दागा जाएगा, वह ज़हूर हो और उसकी पीठ को दागा जाएगा, यानी उससे सोने चांदी से, और फिर सिर्फ दागा ही नहीं जाएगा, जब उसको दागा जाएगा कहा जाएगा हाज़ा मा कुंतुम तकनिज़ून, फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून, ये है वो तुम्हारा खजाना जो तुम दुनिया में जमा करता था, अब उस खजाने का मजा चख। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हुज़ूर की बारगाह में एक औरत अपनी बेटी के साथ है, उसने कंगन पहने थे, हुज़ूर ने पूछा इस बेटी के कंगनों की ज़कात अदा कर दी है, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं, हुज़ूर ने फरमाया अगर ये ज़कात के बगैर कंगन पहन के रहेगी ये सोने के नहीं है बल्कि ये इसके लिए दोज़ख में करेगी। ठीक, तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी अहम चीज है ज़कात की अदायगी, और ये कोई इतनी ज्यादा भी नहीं है, हमारे यहाँ ये शैतान का वसवसा है यार, 100 रुपए 250 रुपए लाख रुपए 2500 क्या वैल्यू है उसकी, एक बच्चे की स्कूल की फीस में क्या 2500 रुपए, ये एक बच्चे का भी जो है वो हफ्ते का शायद खर्चा ना हो 2500 रुपए, और अल्लाह का हक है, और जब अल्लाह का हक देने की बारी आ जाए वहां पे माल तो दूर की बात, मुग़ालिब ने कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हो, भाई हम कोई अपने माल से थोड़ी देते हैं, उस रब ने दिया है, बस देखना चाहता है कि मेरी राह में खर्च करके कौन शुक्र करता है और सफर करके कौन जो है मेरे हुक्म पे अमल करता है, और जब अल्लाह नाराज होता है ना वही माल जिस पे कभी वो फख्र करता है वही माल उसके लिए वबाल बनता है। हजरत सालमा रजी अल्लाह तआला सियाकी रसूल है, सियाकी रसूल की इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारे लिए तब्बर ट्रिपल गौर तलब बात है, जब सहाबी के साथ ये मामला है तो उसके मुकाबले में हमारा तो शुमार ही नहीं। हजरत सालमा सहाबी रसूल है, मदीना के रहने वाले हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे मालदार बना दे। हुजूर ने फरमाया सालमा तेरे पास जो थोड़ा माल है ना और उस पर तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है ये उस ज्यादा माल से बेहतर है जिस पे तू शुक्र अदा ना कर सके, थोड़ा माल है ना इस पे राजी है कनात कर, अगर ज्यादा माल की दुआ कर बाकी और अल्लाह का शुक्र अदा ना हुआ तो ये तेरे लिए ज्यादा पैसे बर्बाद है। सियाबी ने इशारा किया नहीं या रसूल अल्लाह मैं शुक्र अदा कर आप दुआ करें, बस हुजूर ने फिर हाथ उठाए और आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक फी माल सालमा, या अल्लाह सालमा के माल में बरकत अदा कर, ये यदुल्ला वाले हाथ क्या रखे थे, अल्लाह ने सालमा के माल में इतनी बरकत डाली कि सालमा का माल मदीने की किसी गली में नहीं समा सकता और सालमा अपना माल लेके जंगल में रहने चले जाते, इतनी बरकत हुई, इतनी बकरियां ज्यादा हो गई सालमा के पास कि मदीना में समा नहीं सकती थी, और जब जंगल में चले गए फिर वो माल की मोहब्बत ऐसी पड़ी, वो सालमा जो 5 नमाजें मस्जिद में जमात के साथ पढ़ता था 5 नमाजों से मालूम होता गया, जुमा पढ़ता था जुमे से मालूम होता गया, ईद पढ़ता था ईद से मालूम होता गया, माल की जो है वो वाफिर मिकदार इतना मशगूल हुआ, ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ,
हजरत उमर फारूक और हजरत बकर सदीक को हजूर ने भेजा कि जाओ साल का से ज़कात लेके आओ। 40 बकरियों पे एक बकरी की ज़कात बनती थी। सालबा ने देखा कि मेरे पास तो सैकड़ों की तादाद में बकरियां हैं, अगर मैंने हर 40वीं बकरी ज़कात की मद में दे दी तो ये तो बहुत माल कम हो जाएगा। तो सालबा ने सहाबा से कहा कि तुम आगे से जाके ले आओ, वापसी पे मुझसे ले ले, क्या वापसी पे मुझसे ले ले। तो हजरत बकर सदीक और हजरत उमर आगे से ज़कात लेने गए, वापस आए तो सालबा कहने लगा कि तुम जाओ मैं खुद ले आऊंगा। जब हजरत उमर फारूक और अबू बकर हजूर की बारगाह में पहुंचे, हजूर ने पूछा भी नहीं, इन सहाबा ने बताया भी नहीं, वो जो गैब दान नबी है, वो नबी जो फर्श पे बैठता है तो अर्श तक उसकी नजर जाती है, वो नबी जो फर्श पे बैठता है तो जमीन के अंदर तक की खबर देता है, उस नबी ने पूछा भी नहीं, सहाबा ने बताया भी नहीं, हजूर ने पहले कह दिया आधा का सालबा, आधा का सालबा। वो सालबा जिसने ज़कात का माल नहीं दिया उसके माल को भी रब ने बर्बाद कर दिया और सालबा को भी रब ने बर्बाद कर दिया। जब हजरत सालबा ने ये बात सुनी ना, फिर वो बकरियां लेके हजूर के पास आए। हजूर ने फरमाया सालबा जा चला, मेरी आंखों के सामने था, तेरा माल देने से रब ने मुझे रोक दिया है, मैं मोहम्मद कौन होता हूँ कि रब की इजाजत के बगैर तेरा माल दे, मैं नहीं दूंगा। फिर हजरत सालबा मुड़कर सदीक और उमर फारूक के दौर में आए, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि तेरा माल अल्लाह उसके रसूल ने कबूल नहीं किया, हम कौन होते हैं तुझसे ज़कात का माल लेने। तो सालबा अपने सर पे मट्टी डाल के अपने आप को जो है इस तरह से रुकोड करके फिर अल्लाह की बारगाह में जो है वो पहुंचा। तो जब ये माल अल्लाह का मुकर्रर करता हक शुदा रोक लिया जाए तो फिर ये कभी इस तरह वाले जान के पास जाता है कि इंसान फिर अपने आप के होश भी जो है खो देता है, और जो बंदा ज़कात की अदायगी करता है वो फिर अल्लाह की हिफाजत में आता है, निगहबानी में आता है। ज़कात अदा करने वाला अल्लाह रसूल की बारगाह में सखी शुमार होता है, और सखी की ये शान है कि अस्सखीयु क़रीबुन मिन अल्लाह, क़रीबुन मिन अन्नास और क़रीबुन मिन अल-जन्नत। कि सखी जो बंदा होता है अल्लाह के भी करीब होता है, लोगों के दिलों में करीब होता है, और अल्लाह उसे जन्नत के भी करीब कर देता है। और जो फकीर आदमी होता है, कंजूस आदमी होता है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला नहीं होता, वो अल्लाह से भी दूर होता है, जन्नत से भी दूर होता है, और लोग भी उससे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते। इसलिए जिस जिसको अल्लाह ताला ने साहिब निसाब बनाया है, ज़कात से सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, नकदी की शक्ल में, या माल तिजारत की शक्ल में, तो वो अहबाब इसको अपने लिए नमाज रोजे की तरह फर्ज समझते हुए वो इसको खर्च करें। अब करना कहाँ पे है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके 8 मसरफ बयान किए, यानी 8 जगहों पे ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं। उन 8 में से एक अब नहीं है, वो पहले था शून्य, अब नहीं है, बाकी जो 7 हैं वो मौजूद है। नंबर 1 फकीर, के जिसके पास जरूरत का मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद हो लेकिन वो कोई ज्यादा मालियत का मालिक ना हो, इसको फकीर कहते हैं। एक होता है मिस्कीन, मस्कीन वो होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको ज़कात जो है लगती है। इसी तरह तीसरा जो है अपना यतीम बच्चा या किसी की यतीम औलाद जो है वो अगर मौजूद है और वो भी तुम्हारी ज़कात और सदक़ात की हकदार है। इसी तरह मकरूज आदमी, मकरूज यानी जिसने कर्ज अदा करना है उस पर भी जो है वो ज़कात लागू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं कि मकरूज कौन सा होगा, ठीक है। मेरे पास एक बंदा मसला पूछने आया कि मैं अपने भाई को ज़कात दे सकता हूँ कि वो मकरूज है। मैंने उससे कहा कि वो कैसे मकरूज है, कहता है उसने बैंक से गाड़ी निकलवाई, बैंक से गाड़ी निकलवाई। तो ये मकरूज दो तरह के होते हैं, एक मकरूज शरई होता है, एक गैर शरई होता है। शरई मकरूज वो होता है जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, ठीक है, और एक वो कर्ज होता है जो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लिया जाता है। ये जो ख्वाहिश वाले मकरूज है इन पे ज़कात नहीं लगती, ठीक
इनदे मकरूज है किसने नवाब से इतने जरदारी भी शामिल है लेकिन कोई मकरूज नहीं लेकिन तो वो मकरूज होगा कि जो शरई जरूरत पूरी करने के लिए कर्ज लेता है और फिर अदा नहीं कर सकता तो उस पर जो है हम ज़कात के पैसे खर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक कैदी है कैदी और वो इतनी ताकत नहीं रखता कि अपने केस को अदालती प्रोसीजर से हल करवाने के लिए फीस वगैरह का इंतजाम कर सके तो उस कैदी को छुड़ाने के लिए अगर उसको अदालत ने कोई जुर्माना किया है तो उस मद में भी ज़कात की रकम अदा की जा सकती है। और इसी तरह जो आमिलीन होते हैं फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जो ये चलने वाले लोग होते हैं जिस तरह दीनी इदारों के तालिबे इल्म होते हैं दीनी इदारों के असातिज़ा होते हैं ठीक है तो ये उस फी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में आते हैं कि ये अल्लाह के दीन की तशरीह के लिए अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए और अल्लाह के दीन की तालीम के लिए अपने आप को जो है वो मुसाफिर बना के वो जिंदगी गुजारते हैं और उनका मकसद और मंजर ये होता है कि अल्लाह के दीन की तशहीर हो जाए तो उसके लिए भी जो है वो खर्च करना जायज होता है। तो ये सात जगह हैं जहाँ पे आप माल खर्च कर सकते हैं। इसी तरह साहिब नसाब आदमी ना अपनी औलाद पर ज़कात का पैसा खर्च कर सकता है और ना अपने माँ बाप पर ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं। एक असूल आपने जहन में रखना है यानी एक साहिब नसाब आदमी है जिनसे वो है यानी उसका बाप उसका दादा यानी ऊपर उनको भी ज़कात नहीं दे सकता और जो उससे है आगे बेटा बेटी वगैरह पोता पोती उनको भी ज़कात अदा नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई मुस्तहिक लोग है सोसाइटी में माशरे में आप उनके लिए जो है वो ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अल्लाह ताला खर्च करने वाले से खुश होता है उसका वादा है खर्च करने वाले के माल को बढ़ाता है अल्लाह उसमें इजाफा करता है। शैतान पहले से क्यों ना कराता रहे तो इतने पैसे कम हो जाएंगे इतना माल कम हो जाएगा। आप अल्लाह के वादे पर यकीन करते हुए कि अल्लाह का वादा है कि उसकी राह में एक खर्च किया जाए अल्लाह उसके बदले में 10 अता करता है और जब खलूस से किया जाए तो अल्लाह एक के बदले में 700 गुना जो है वो अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल इंतजार है कि अल्लाह ताला हमें नमाज रोजे की तरह ज़कात के फर्ज की अदायगी की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि اللهم صل على محمد وعلى آل محمد